कंफर्टेबल नहीं लगता है कैमरे के सामने आना, है ना। बताइए, कलर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं इसको कौन सा कलर बोलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनके मेरे वीडियोस में आने से मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, या फिर मैं पहले यूट्यूबर हूँ बोल सकते हैं, क्योंकि अब मेरे फैमिली बैकग्राउंड से कोई भी नहीं है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक सब चलाते होंगे, अकाउंट सबके प्राइवेट है। लेकिन मैं फिलहाल इतना बोल सकती हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपने आप को क्रिएटिव दिखाना, और मतलब डांस करना, गाना गाना, लिप सिंक करना, कॉमेडी वीडियोस करना। हेलो एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छी हूँ। आज है मंडे, आज है 4 तारीख 4 नवंबर 2024, और लेट हो रही हूँ, ऑफिस जा रही हूँ। मैं आपको मिलती हूँ शाम को 7:30 बजे, और मैंने टिफिन भर लिया है, बॉटल भर लेती हूँ, और फिर मिलते हैं मैं आपको शाम को। अभी बज रहे हैं रात के 10:30 बज रहे हैं, और मैं आज भी काफ़ी लेट हो गई आने में, 7:30 बज गए थे, क्योंकि आज मुझे जाना था डेंटिस्ट के पास में। यहाँ पे मैंने जो रूट कैनल करवाया था इस साइड में, उसमें कैप लगवानी थी, तो काफ़ी गैप हो गया था, 15-20 दिन का टाइम हो गया था। तो वो कैप जब लगवाने गई तो वो कैप ही ठीक से नहीं लगा, तो अब दोबारा से वो कैप बनेगा। देन अब 2-3 दिन बाद मुझे फिर से बुलाया, तो ऐसा है आज मैं इसलिए लेट हो गई। फिर आते आते वो जो रूटीन काम रहता है, दूध का पैकेट लाना, या फिर राशन वगैरह जो भी ख़त्म हो जाता है वो लेकर आना, और फिर सब्ज़ी वगैरह लाना,
ऐसे ऐसे करते करते 7:30-8 हो ही जाते हैं मुझे आते आते। और क्या बोलूँ, खाना नाश्ता भी मेरा हो ही गया है नीचे, और खाना तो बना लिया था मेरी सिस्टर ने, और चाय भी नीचे बनी हुई थी, पी ली थी मैंने। और नीचे मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि मेरी सिस्टर वगैरह बैठी हुई थी, सिस्टर और बाप वगैरह बैठी हुई थी नीचे, तो उनको थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता है कैमरे के सामने आना, है ना, और इसलिए मैं भी नहीं बनाती हूँ थोड़ी ज़बरदस्ती। अगर किसी को कम्फर्टेबल नहीं लगता है तो इट्स बेटर नॉट टू टेक फोटोज ऑन वीडियोज, है ना। तो जिसको आना है वो खुशी खुशी आए मेरे वीडियोज़ में, जिसको नहीं आना कोई बात नहीं। इसलिए फिर मैं थोड़ा सा इस सब चीज़ों को दूरी रखती हूँ, है ना। जिस दिन उनको कंफर्टेबल लगेगा वो अपने आप वीडियोस में आएंगे, सामने दिखेंगे। अभी मुझे तो इसलिए मैं अभी ऊपर वाले फ्लोर में आके अब वीडियोस बना रही हूँ, और चाय पानी नाश्ता किसी का भी मैंने शाम का वीडियोस नहीं डाला है, और ना ही नीचे का कुछ मोमेंट का ऐसा है। और आज का ड्रेस ये देख लीजिए, मैंने सुबह की बताया था आपको, ये इस टाइप से साड़ी पहन के गई थी मैं। कैसा लग रहा है साड़ी बताइए, कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं इसको कौन सा कलर बोलते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है ये साड़ी मुझे पहनने में। उसको अच्छे से पहनो ना तो बहुत सुंदर लगता है। आज तो मैं ऐसी जल्दी जल्दी में पहन के चली गई थी, और हील्स के साथ पहनो तो और अच्छा लगता है। पता नहीं साड़ी क्यों कम्फर्टेबल लगता है, मैं प्रेफर करती हूँ, वैसे तो मैं पतली हुई दुबली पतली थोड़ी और हो जाऊँ, तो साड़ी के साथ मुझे हील्स के साथ साड़ी बहुत अच्छी लगती है, एकदम परफेक्ट लुक आता है। मतलब आप कहीं भी काम करने जा रहे हो तो बड़ा अच्छा लगता है, एक स्मार्ट लुक आता है, तो मैं साड़ी पहनना ही प्रेफर करती हूँ। मुझे सूट भी थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो मैंने और 2-4 साड़ियाँ मंगवाई है मैंने ऑनलाइन, मैं आपको दिखाऊँगी जैसे ही इसका पार्सल आ जाएगा ना फिर दिखाऊँगी। ये कॉटन की साड़ी अच्छी लगती है, और इटालियन सिल्क वाली साड़ी अच्छी लगती है, जो मतलब पहनने में कंफर्टेबल है। ज़्यादा चमकता हूँ बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फेस्टिवल के हिसाब से मैं पहन लेती हूँ मैं कभी कभार, ऐसा है। हाँ मैं क्या बोल रही थी, हाँ मेरी फैमिली में मतलब मेरे चैनल में आपको सिर्फ मैं ही दिखूँगी, बाकी और कोई नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली को कम्फर्टेबल नहीं लगता है वीडियोज़ में आना, चाहे मतलब बात करना या मैं उनकी वीडियोज़ बनाऊँ, वो मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो प्रेफर नहीं करती, इसलिए मैं जोर जबरदस्ती बनाती भी नहीं हूँ। और हाँ बच्चे आ जाए तो मैं उनको भगा नहीं सकती हूँ, बच्चे आ जाए तो मोस्ट वेलकम, अच्छी बात है। तो ये चीज़ें बाकी बड़ों को लगता है थोड़ा कैमरे में आना, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे लिए भी ये यूट्यूब नई नई चीज़ है। मैं भी खुद पहले बहुत हिचकिचाती थी किसी के कैमरे में आना, बात करना। मैंने भी अभी नया चीज़ नया प्रोफेशन शुरू किया है, मैं तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो पाई हूँ इसलिए आप लोगों से बात कर पाती हूँ, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। आप ऑब्वियसली आप घर पर रहते हो तो इतने अच्छे से नहीं रहते हो ना, जैसे नॉर्मली घर पर सभी रहते हैं, है ना। तो मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत तैयार होकर रहती हूँ, क्योंकि मैं सुबह शाम जाती हूँ ऑफिस आती हूँ, तो लगता है वो घर पर ही रहते हैं ना, तो उनको लगता है कि नहीं हम अच्छे तैयार नहीं हुए हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहने, तो हमारी वीडियोज़ मत बनाया करो, हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा लगता है उनको अंदर ही अंदर। तो इसलिए मैं जोर जबरदस्ती वीडियोज़ बनाती भी नहीं हूँ, मना कर देते हैं तो नहीं बनाती हूँ, मैं खुद की वीडियोज़ बना लेती हूँ, अंदर कोने का इधर उधर कोने काने में जा जा के मैं अकेले आप लोगों से बात कर लेती हूँ, वीडियो ब्लॉग एंड करने आ जाती हूँ। तो ये चीज़ है, क्योंकि मुझे मालूम है मैं देखो किसी को मैं ज़ोर ज़बरदस्ती लाऊंगी वीडियोस में अच्छा नहीं लगेगा, और ऐसा तो है नहीं कि उनके मेरे वीडियोस में आने से मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, या फिर मैं बहुत फेमस हो जाऊंगी, ऐसा भी नहीं है ना। तो क्यों, अब हम जब कोई खुशी खुशी आता है तो बहुत अच्छा लगता है सब चीज़ करने में, और कोई हम ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी से, किसी को पसंद नहीं तो बिल्कुल आप दूर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो ऐसा है, तो लगता है कुछ चीज़ें बुरी लगती है, क्योंकि मैं घर में पहले यूट्यूबर हूँ बोल सकते हैं, क्योंकि अब मेरे फैमिली बैकग्राउंड से कोई भी नहीं है सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक सब चलाते होंगे, अकाउंट सबके प्राइवेट है, मेरे भी है, मैं भी प्राइवेट रखती हूँ, मैं कभी इस टाइप से नहीं वो ओपनली नहीं किया है पब्लिकली, लेकिन अब यूट्यूब चैनल बनाया है तो ऑब्वियसली यूट्यूब चैनल है तो पब्लिक तो होगा ही, कोई प्राइवेट तो होगा नहीं, ऐसा है। और हाँ, और यूट्यूब में मैं क्यों आई हूँ इसके लिए भी मैं आपको कुछ दिनों में स्पेशल व्लॉग बनाऊँगी कि मैं यूट्यूब में क्यों आई हूँ,
सब मतलब जो मेरे जानने वाले हैं यूट्यूब में वो सोचते होंगे इतना अच्छा कमाती है फिर भी यूट्यूब में आ गई, इतना ज़्यादा पैसे कमाने लगी। कमाने के लिए ये पैसे कमाना बिल्कुल नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत लगता है बिल्कुल है, लेकिन मेन मकसद क्या है मेरे यूट्यूब में आने का वो मैं बाद में बताऊँगी आपको। लेकिन मैं फ़िलहाल तो इतना बोल सकती हूँ मुझे अच्छा लगता है अपने आप को क्रिएटिव दिखाना और मतलब डांस करना, गाना गाना, लिप सिंक करना, कॉमेडी वीडियोस करना और व्लॉग्स बनाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती है इसके अंदर ही। ये नहीं है कि आप सिर्फ वीडियो बना रहे हो और हो गया, इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी छुपी है आपको नहीं, मतलब जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं उनको मालूम है। मतलब यूट्यूब चैनल चलाना भी ये बहुत मुश्किल काम है, मतलब पहले व्लॉग बनाना फिर उसको एडिट करना है, ये क्रिएटिविटी नहीं है तो क्या है ना। क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं से आपका दिमाग आप ओपन कर रहे हो, उस चीज़ को सीख रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो क्रिएटिविटी हुई है। तो यही क्रिएटिविटी मुझे करना था, मुझे सीखना था, मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ करने में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो प्रतिभा थी वो सालों से दबी हुई थी। मैं शायद से 30-35 प्लस हूँ, मुझे नहीं पता था कि मुझे नाचना गाना भी अच्छा लगता है, मुझे ये नहीं लगता था कि मैं इतना अच्छा, मतलब ज़्यादा तारीफ तो नहीं करनी चाहिए, हाँ इतना अच्छा थोड़ा बहुत डांस भी कर लेती हूँ, मैं थोड़ा बहुत अच्छी लिपसिंग भी कर लेती हूँ, मैं ये भी कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ। ये सारी जो आपके अंदर की प्रतिभा है वो छिपी हुई थी, आपको पता ही नहीं था आप क्या कर पा रहे हो। बस 10 से 6 आप ऑफिस से आते हो, खाते हो, खाना खा के सो जाते हो, बस यही रूटीन था मेरा। मतलब 8-9 सालों में मैंने सिर्फ यही किया है, खाना खा के ऑफिस जाना, नाश्ता करके ऑफिस जाना, ऑफिस में काम करना, आके फिर नाश्ता वाश्ता किया, खाना वाना खाया, फिर खाना पीना खा के सो जाना। हाँ बीच में मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी, तो एग्ज़ाम्स मैं करती थी रात रात भर तैयारी करती थी, कुछ कारणों से कुछ वजह से नहीं हो पाता था मेरा सिलेक्शन, तो वो चीज़ मैंने थोड़ी सी स्टॉप कर दी है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है आपके लाइफ में, जब आप मैरिड लाइफ में एंटर करते हो ना, तो ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी ही हो, है ना। कुछ चीज़ें अप्स एंड डाउन्स बोलते हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे हो रहा था, हो रहा है। और आपको मालूम है ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो इंसान कितना स्ट्रेस में चला जाता है, मतलब जो डिप्रेशन वाली चीज़ जो होती है ना, मैं क्या बोलूँ, धीरे 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 जो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है, डिप्रेशन लेवल बढ़ता जाता है, और जब आपके साथ कोई होता नहीं है बात करने के लिए, अभी थोड़ा इस चीज़ को मैं यही नॉर्मल डाउन करती हूँ। हाँ मैं ये बोल रही थी कि थोड़ा सा लगता है जब आप स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ता जाता है ना, तो आपको लगता है कि नहीं क्या मेरी लाइफ में सिर्फ यही है, सिर्फ स्ट्रेस लेने ही लिखा है। नहीं, इन सब चीज़ से बाहर निकलने के लिए मैंने इस चीज़ को अपनाया है। मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ, मैंने यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए खोला था, तो इंस्टाग्राम भी था मेरे पास, फेसबुक भी था, अकाउंट है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन पता नहीं मुझे लगा कि नहीं उन सब चीज़ को साइड में रखा मैंने, नहीं कुछ मैं ऐसी चीज़ करूँगी जो मेरा दिमाग खुले, मेरा दिमाग जो इधर उधर भटकता है ना फालतू की चीज़ों में, नेगेटिव चीज़ जो दिन भर आप नेगेटिव सोचते हो, मतलब दिन भर तो नहीं, खैर दिन भर तो आपका निकल जाता है रूटीन काम करने में, जब शाम को आते हो रात को आते हो नेगेटिव चीज़ें आती है, ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, इसने ऐसे क्यों बोल दिया, इसने ऐसे क्यों बोल दिया, तो उन सब चीज़ से निकलने के लिए, क्योंकि मेरा जो माइंड था धीरे धीरे डिप्रेशन लेवल में जा रहा था। डिप्रेशन मीन्स मतलब मैं चीज़ें भूलती जा रही थी, मैं कहाँ क्या चीज़ रखी वो तो भूल जा रही थी, मतलब बाय फेस मैं लोगों के भूल जा रही थी, लोग मेरे से बात करते हैं दूसरे दिन क्या बोला किसने वो चीज़ भूल जा रही थी, तो कुछ लगता है ना अरे यार ये चीज़ तो बहुत गलत हो रही है, इन सब चीज़ से मुझे बाहर निकलना है। तो उस चीज़ के लिए मैंने आपको क्लियरली बता रही हूँ, उस चीज़ के लिए मैंने सोचा कि नहीं मुझे इस सब चीज़ से निकलने के लिए कुछ नया क्रिएटिव करना पड़ेगा, तब जाके मैं इन सब चीज़ों से निकल पाऊँगी, नहीं तो ज़िंदगी भर मेरे को टेंशन लगा ही रहेगा। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ, मैंने यूट्यूब चैनल खोला, यूट्यूब चैनल मतलब अकाउंट तो था ही, मतलब कैसे क्या क्रिएट करते हैं उस सब चीज़ को धीरे धीरे मैंने यूट्यूब से ही सीखा, देख देख के वीडियोज़,
फिर उसके बाद मैंने पहली वीडियो डाली, कब डाली थी, लास्ट ईयर डाली थी शायद से। मुझे थोड़ा थोड़ा आता नहीं था, तो मैंने मेरी फ्रेंड्स वगैरह से इधर उधर से पूछा कि यार कैसे है इसमें गाना कैसे डालते हैं। वीडियो तो बना लेते हैं अपन, लेकिन गाना कैसे डालते हैं, ये ऐसे कैसे करते वैसे कैसे करते। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे इंस्टाग्राम में बताया कि ऐसे ऐसे करते हैं, इसको भी गाना ऐसे डालते हैं। एक बार मैंने इंस्टाग्राम में डाल के देख पोस्ट करके देखा ऐसे ब्लैंक, तो अच्छा लगा। फिर मैंने क्या किया, यूट्यूब में पोस्ट डाली, पता नहीं किस चीज़ की पोस्ट डाली थी, ऐसी शॉर्ट वीडियो डाला था। फिर मुझे अच्छा लगा थोड़ा सा, मैंने उसमें व्यूज आते गए, ज़्यादा व्यूज तो आते नहीं थे, 10-20-30-40 ऐसे व्यूज आते थे, कुछ भी डाल देती थी मैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। तो फिर अब आ गए हम अपनी लाइन पे। अब ऐसा लगता है कि मैं कितना ज़्यादा सीख लूँ इस एडिटिंग लाइन में, मैं कितना ज़्यादा सीख लूँ और कितना और अच्छी वीडियोस बनाऊँ और कुछ कुछ भी क्रिएटिव करते जाऊँ, तो ये चीज़ है। तो मैं यूट्यूब में बता देती हूँ, मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे वो डिप्रेशन और स्ट्रेस लेवल से बाहर निकलना था। इसके लिए मुझे नई चीज़ करनी थी, और नई चीज़ मैं आपके सामने आज खड़ी हूँ, वीडियोज़ बना रही हूँ, एडिट करती हूँ, व्लॉग में गाने वाने डालती हूँ, दिन भर गाने ढूंढती रहती हूँ, बैकग्राउंड म्यूज़िक ढूंढती रहती हूँ, वीडियोस डालती रहती, एडिट करती रहती हूँ और फिल्टर करती रहती हूँ। बस इसमें मेरा सुबह शाम निकल जाता है। हाँ, सुबह शाम मतलब ऐसा है, ऑफिस जाने से पहले मतलब सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा एडिट कर लेती हूँ, फिर शाम को आके थोड़ा थोड़ा एडिट कर लेती हूँ, फिर उसको दूसरे तीसरे दिन अपलोड करती हूँ। मेरा व्लॉग इसलिए लेट आते हैं, आप लोग देखोगे कि दो दो तीन तीन दिन बाद आते हैं। हाँ, इसलिए लेट आते हैं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है, एडिट चलते फिरते मैं एडिट करती हूँ, कभी खाना खाते टाइम एडिट कर लिया, कभी नाश्ता करते टाइम एडिट कर लिया। आप लोग ज़्यादा देखो मेरे हाथ में मोबाइल ही रहता है जब भी मैं कुछ खाती हूँ या क्योंकि यही मेरा रूटीन हो गया है। अब मुझे अच्छा लगने लगा है, ये चीज़ है कि मैंने अपने आप को बिजी रख लिया है। जो मैं सुबह शाम मेरे दिमाग में से कीड़ा दौड़ता था ना कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती थी, नेगेटिविटी, पागलपंथी टाइप के, मतलब कुछ भी सोचते रहते थे किसी के बारे में भी, तो उस सब चीज़ से मुझे बाहर निकलना था। इसलिए अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं सुबह से शाम तक बिज़ी रहती हूँ, बिज़ी तो रहती हूँ, सुबह भी बिज़ी रहती हूँ, रात से शाम रात को आने के बाद भी बिज़ी रहती हूँ। थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं उसमें शॉर्ट वीडियोज़ बना लेती हूँ, और शॉर्ट वीडियोज़ में मालूम पता है कैसे बनाती हूँ मैं, रात के दो ढाई ढाई तीन तीन बजे तक बैठ के बना लेती हूँ, मतलब तैयार होने में तो एक घंटा लगता ही है, फिर तैयार होने में एक घंटा लगता है। आराम से क्या करूँ, पहले नींद तो आती नहीं थी, मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती थी, मैं उठाऊँ तो तीन तीन चार चार बजे तक सोती थी, मुझे नींद आती ही नहीं थी। मेरा डिप्रेशन लेवल, स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया था, अब यकीन नहीं मानूंगी, मैं 5-5 बजे तक सोती नहीं थी, 5-6 बजे से सोती थी, फिर 8, 8:30, 9, 10 बजे उठ पाना मतलब कितना कैसा रहता है। 7 से 8 घंटे की नींद तो आपको बिल्कुल चाहिए चाहिए होती है, लेकिन नहीं हो पाता था। मैं ऑफिस के लिए भी बहुत लेट उठाती थी, बहुत सब चीज़ के लिए, मतलब सब मेरा गड़बड़ था। तो अब जब से मैंने ये रूटीन वाला वीडियो शूट करने लगी हूँ ना, तो बड़ा अच्छा लगने लगा है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मेरी लाइन पे आती जा रही हैं, सब चीज़ थोड़ा थोड़ा टाइम पे होते जा रहे हैं, नींद भी बहुत अच्छी आती है क्योंकि ऑब्वियसली आपका दिमाग जब चलता है ना अच्छी चीज़ों के लिए, तो नींद भी आपकी बहुत अच्छी आती है। और भी मैं बनाती हूँ शॉर्ट वीडियोज़, 2-2.5 तो बज ही जाते हैं, एक एक दो दो वीडियोस डाल के बना के रख लेती हूँ, फिर जब मन करता तब उसको पोस्ट करती हूँ, ऐसे ज़रूरी भी नहीं है। और जब से लॉन्ग वीडियोस बनाना शुरू किया तब से मैं शॉर्ट वीडियोस कम हो गए हैं, पहले शॉर्ट वीडियोस ज़्यादा डालती थी। ठीक है, मैं अभी दोनों का बैलेंस करूँगी, करके चलूँगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी 2-3 महीने से ही मैं थोड़ा सा कंटिन्यूस आई हूँ यूट्यूब में वीडियो डालने के लिए। उससे पहले 1 साल पहले था, लेकिन इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती थी मैं, तब मन भी नहीं करता था, लेकिन अब जब थोड़ा इंटरेस्ट पड़ने लगा है ना, तो अच्छा लगने लगा है कि चलो एटलीस्ट आप एक कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो आपकी लाइफ में। बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी आपकी लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, स्ट्रेस लेवल घटता बढ़ता रहेगा, उससे आपको कोप अप कैसे करना है, आपको लाइफ में आगे भी जीना है, ना कि सिर्फ 1-2 दिन के लिए, है ना। तो इसलिए मैं यूट्यूब में वीडियोज़ बनाने लगी हूँ। हाँ, कुछ लोग हंसते भी हैं, कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं, उड़ाने दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि लाइफ मेरी है, मुझे कैसे जीना है मुझे मालूम है। आप अच्छी चीज़ें करो, अच्छी चीज़ें दिखाओ यूट्यूब में, और उससे कोई दिक्कत नहीं है, है ना। बाकी जिसको जो हंसना है हंसते रहें, अगर किसी कोई मेरे ऊपर हंस रहा है और उसका ब्लड बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मेरे मुझ पर हंसने से किसी का खून बढ़ रहा है तो बढ़ाइए, बिल्कुल हंस हंस के बढ़ाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना।
इसलिए मुझे ना ही डिमोटिवेट होना है किसी के हंसने से, ना ही किसी के रोने से मुझे दुखी होना है। मुझे अपने आप में खुद में लाइफ जीनी है, तो इसलिए मैं यूट्यूब चैनल चला रही हूँ। बाकी और कोई वो नहीं है, मुझे ज़्यादा इतना कोई लालच नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुझे पैसे कमाना है, नहीं कुछ नहीं। हाँ, अगर यूट्यूब मुझे देता है खुशी से, मेरे चैनल मोनेटाइज होता है मेरी क्रिएटिविटी को देख के, तो बिल्कुल मैं ऑब्वियसली कि कोई आती लक्ष्मी को मना नहीं करता है, बिल्कुल मैं मोस्ट वेलकम। लेकिन मेरा जो मेन मोटिव है, अपने आप को डिप्रेशन और स्ट्रेस लेवल से कोप अप करना था, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है ना। तो चलिए, आधी कहानी तो मैंने अभी बता दी, अब मैं आगे के ब्लॉग में आपको क्या बताऊँगी। तो चलिए, आज इसी के साथ ही मैं आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, नमस्कार, गुड डे, गुड नाइट।